अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहमत और स्वागत है मेरे YouTube चैनल MR इंजीनियरिंग वर्क्स में। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ स्पाइस प्लांट से रिलेटेड, यानी मसाले के बिजनेस से रिलेटेड, कि मसाले का बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, और कैसे मसाला क्रिएट बनाएं, और कैसे पैक करें या फिर कैसे ग्राइंड करें, उससे रिलेटेड। अगर आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी आपके सामने ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन है। स्पाइस ग्राइंडिंग यानी हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, और हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं। बेसन और गेहूँ आटा आप नहीं पीस सकते इसमें। और एक इसमें एक कंडीशन और होती है कि आपके जो स्पाइसेस हो वो सूखे होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो ये उसको पीस नहीं पाएगा, उसको जला देगा, मसाले को जला देगा। ये जो मशीन है, इस मशीन की कैपेसिटी 3 HP मोटर 3 phase। अगर आपको ये मशीन परचेज करना है तो आपके पास 3 phase का कनेक्शन होना चाहिए। इस मशीन में 3 phase का मोटर ही लगेगा। अगर आपको सिंगल फेस कनेक्शन है आपके पास, आपके घर में सिंगल फेस कनेक्शन है, 3 phase कनेक्शन नहीं है, तो इसके बिहाफ में छोटी मशीन आती है, छोटा ग्राइंडर, वो भी आपका 3 HP का होता है और वो आपका 1 घंटे में 20 से 25 किलो माल पीस देता है। आपको वो ग्राइंडर आपको परचेस करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको डिटेल में लिख दूंगा कि वो ग्राइंडर आपका कैसा होगा, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 phase की मोटर लगती है इसमें और ये 3 phase कनेक्शन से ही चलेगा। इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो 1 घंटे में 25 से 30 किलो आएगा। 1 घंटे में 25 से 30 किलो आप इसमें पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। अभी हम इसको एक बार चला के देखेंगे। अभी मेरे पास, मैंने ये धनिया खरीदा हुआ है मार्केट से, और ये सूखा धनिया है, ये हमने इसको ड्राई कर लिया है, इस धनिया को हमने सुखा लिया है। तो अब हम इसको इस मशीन में पीस के देखेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पीस के देखा। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करा देता हूं। ये देखिए, अब इस ग्राइंडर में जैसे मैंने आपको बताया कि आप हल्दी, धनिया, मिर्ची, हल्दी इसमें दोबारा पीसना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी आपका गाठिया बड़ा होता है, मतलब ठोस होता है, तो उसमें आपको हल्दी को इसमें दोबारा पीसना होगा। मिर्ची भी आपको दोबारा पीसना होगा, लेकिन धनिया जो है, धनिया आप एक बार में इसको पीस सकते हैं। अभी जो इस मशीन का जो प्राइस है, इस मशीन का प्राइस है 55,000 रुपये, 55,000, और इसमें मोटर इंक्लूड है। आपको अलग से मोटर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी जो कंपनियों में क्या होता है कि वो मतलब जो ये लेते हैं, ग्राइंडर लेते हैं, बोलते हैं कि अलग से मोटर आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको मोटर के साथ 55,000 रुपये का देंगे। अभी इसमें अगर आपको और बड़ा ग्राइंडर चाहिए, यानी अगर जैसे इस मशीन की कैपेसिटी 25 से 30 किलो है, अगर आपको और बड़ा ग्राइंडर चाहिए तो एक मेरे पास, मैं इसमें 5 HP में भी बनाता हूँ, 7.5 HP में भी बनाता हूँ, 10 HP में भी बनाता हूँ, 15 HP में बनाता हूँ, 20 HP में भी बनाता हूँ। अभी मेरे पास 5 HP का भी मशीन रेडी है, आप ये देख लीजिए जरा। ये आपका 5 HP का ग्राइंडर है, इससे आपका 1 घंटे में तकरीबन 45 से 50 किलो आप इसमें माल पीस सकते हैं। ये उसका हॉपर है।
अभी आप जैसे आपने मसाला पीस लिया, पीसने के बाद अब इसको पैकिंग करना है। तो आइए मैं अभी हम पैकिंग मशीन पे आ जाते हैं। ये हमारी पैकिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। यानी इस मशीन में आप 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक आप मसाला पैक कर सकते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर में कोई भी आइटम। अब इस मशीन के बारे में अगर आपको पूरा अच्छे से डिटेल अगर आपको चाहिए तो इसका मैंने एक पूरा एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप उस पे जाके इसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका प्राइस भी मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। इस मशीन का प्राइस जो है वो 2,25,000 रुपए है इस पैकिंग मशीन का। इसमें आपका यानी 10 ग्राम से 250 ग्राम तक आपका हल्दी धनिया मिर्ची गरम मसाला आप कुछ भी पैक कर सकते हैं। वहां से आपने ग्राइंड किया और इस मशीन में आपने उसको पैक कर लिया। पैक करने के बाद अब आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। अब मशीन को परचेज करने के लिए हमारा जो फर्म का नाम है, जैसे हमारा YouTube चैनल MR इंजीनियरिंग के नाम से ही है, वही हमारा फर्म का नाम भी है MR इंजीनियरिंग वर्क। और हमारी जो फैक्ट्री है वो C63 सेक्टर 10 नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप कॉल करके और भी जो डिटेल्स हैं और भी चीजें हैं आप आके पूछ सकते हैं। प्लस आप मेरे फैक्ट्री आके विजिट करके मशीनें देख भी सकते हैं। अभी फिलहाल लिटरली हमारा जो मशीन है, लगभग मैं एक सेट मशीन रेडी करके चलता हूँ, जिससे कोई क्लाइंट आए तो वो अपने साथ ही मशीन लेके जा सकता है। जैसे और भी जो लोग होते हैं कहते हैं कि सर मैं आउट ऑफ स्टेट से आता हूँ, जैसे मैं अभी यूपी से हूँ, बहुत सारे क्लाइंट आपका बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हर जगह से लोग आते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आना चाहता हूँ आके आपकी मशीन देख के, और मैं अपने साथ ट्रांसपोर्ट में मशीन बुक कराना चाहता हूँ। तो वो भी है कि आप आके अपने साथ मशीन ट्रांसपोर्ट में लगवा सकते हैं। और बाकी ये आपका टोटल मसाले का सेटअप है। आपको दो ही मशीन लगेगी, एक ग्राइंडिंग मशीन और एक पैकिंग मशीन। इससे आप अपना बिजनेस, अपना प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।